नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो फिर से मैं हिस्ट्री पे आ गया हूँ। तो हिस्ट्री में हम एक लेक्चर ले चुके हैं, हिस्ट्री का पहला लेक्चर मेरा हो चुका है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पहला देखिए, उसके बाद सेकंड पे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आपको अगर पहला नहीं समझा तो दूसरा बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि पहले के बाद का ही दूसरा है। तो जिन्होंने पहला वीडियो देखा था, तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में घुस रही थी, ठीक है, किस तरह से एंट्री मारी है ब्रिटिश ने, और उसके पहले इंडिया की खोज किसने की, पोर्तुगीज आए, डच आया, ठीक है, फिर ब्रिटिश आया, फ्रांस आया, तो इस तरह से कितने सारे कंट्रियां आए, बट उनमें से मेन कौन था, ब्रिटिश था। ब्रिटिश ने धीरे धीरे क्या किया, जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तो दो दो सरकारें चलती थी, एक तो हमारे कंट्री के अलग अलग कंट्रीज की जो डच फ्रांस सब आए हुए थे, दूसरा फ्रांस नहीं था, डच था, पोर्तुगीज था, दूसरा कौन था, हमारे राजा रजवाड़े, जो राजा लोग देश चलाते थे, प्रिंसली स्टेट जिसको बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले मोहरा बनाया किसको, जो अदर कंट्री भारत में ट्रेड कर रही थी, ये भी ब्रिटिश भी ट्रेड करने आया था, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ट्रेड करने से ही करने के लिए आया था, बट आगे चल के कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए जिसके वजह से उनको शासन करना पड़ा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी और किस तरह से डच को एलिमिनेट किया गया इंडिया से, किस तरह से पोर्तुगीज को भगाया गया, फिर अब हम देखेंगे फ्रांस को किस तरह से भगाया गया, ठीक है। फ्रांस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा मतलब उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फ्रांस ही था, क्योंकि फ्रांस बहुत अधिक समय तक टिका, ठीक है। फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री था जो ब्रिटिश के सामने थोड़ा टाइम तक टिका, इसीलिए इतनी सारी चीजें हो गई फ्रांस में, इतना तो डच भी नहीं किए थे, ठीक है। तो बट फ्रांस वाले ने बहुत मेहनत किया कि हम डटे रहे, बट ब्रिटिश के सामने टिक नहीं पाए। मैंने बोला ब्रिटिश बहुत चालू थे, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके पास माइंड था, वो हमेशा कोई चीज सोच समझ के करते थे, ठीक है, कोई भी काम उन्होंने आज तक जोश में नहीं किया था, हर एक काम बहुत सोच समझ के करते थे, इसीलिए 250 साल तक राज किया गया ना हमारे इंडिया पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने अब हमारा थर्ड टॉपिक था जिसको फ्रेंच, दो टॉपिक खत्म हो गया था, मैंने क्या बताया था, पोर्तुगीज बताया था और डच को इलिमिनेट कर दिया था, फिर मैंने ब्रिटिश के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ब्रिटिश किस तरह से इंडिया में आ चुकी थी। तो थर्ड टॉपिक क्या हमारा, फ्रेंच पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रांस किस तरह से, उनकी हालत क्या थी और वो किस तरह से इंडिया से इलिमिनेट हुए। तो आपको पता है कि 1664 में फ्रेंच ने इंडिया में कदम रखा था पहला, ठीक है, 1664 में, और फिर 1668 में उन्होंने क्या किया, पहली कंपनी डाल दी, पहली फैक्ट्री जो डाला सूरत में डाला, कहाँ डाला, सूरत में। ये सब चीजें याद करनी है आपको, समझनी है और माइंड में सेटअप डाल के रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 1669 में उन्होंने कहाँ पे दूसरी फैक्ट्री डाली, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में उन्होंने सेकेंड फैक्ट्री डाल दी। तो ये पूरी की पूरी ग्रोथ कौन देख रहा था, ब्रिटिश देख रही थी कि अगर इनका अगर ये ट्रेड करेंगे, उस समय उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा कि अगर ये ट्रेड इतनी स्पीड से बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है, बट वो ऐसा चाहते थे कि पूरे के पूरे इंडिया में हम ही ट्रेड करें और कोई ना रहे, ये चाहते थे वो लोग, ठीक है। तो 1669 में सेकंड उन्होंने मसूलीपट्टनम में जब ये फैक्ट्री डाली, तभी से वो किसके नजर में आ गए, ब्रिटिश के नजर में आ गए कि ये भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए फिर आगे क्या क्या प्रोसेस चलाया गया ब्रिटिश के द्वारा, वही चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। और फाइनली ब्रिटिश इलिमिनेट कौन से डेट को होता है और वो कौन सा बैटल होता है जिससे वो इलिमिनेट होता है, तो ये चीजें जब मैं बताऊंगा तो आप ध्यान से सुनते रहिए, नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी भूल जाती है, तो अगर वो लिखोगे आप तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। 1669 में सेकंड फैक्ट्री डाल दी मसूलीपट्टनम में। 1674 में उन्होंने हस्तक्षेप किया पांडिचेरी एंड चंदरनगर। फ्रांस की दो प्रेसिडेंसियां चलती थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसियां, दो प्रेसिडेंसियां, एक पांडिचेरी और दूसरा चंदरनगर, ये दो प्रेसिडेंसियां चलती थी। ब्रिटिश की तीन प्रेसिडेंसियां चलती थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। देखो वो आए कहां थे और आज भाई क्या हो, ठीक है, तो ये आपको ग्रोथ समझना है, क्योंकि देखो हिस्ट्री पढ़ना है तो समझना है, ना कि इसको रटना है, रटोगे तो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, समझोगे तो ही क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट है तो आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है और फिर पता चलता है कि हमारा बेसिक कितना क्लियर है। तो अगर आप चीजें समझेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप ग्रोथ पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से वो कंट्री को हटाया जा रहा है और वो कंट्रियां क्यों हट रही है, मेन पॉइंट वो है कि आप ये भी ध्यान दीजिए कि उनमें क्या कमजोरी ऐसी आ जा रही है कि जिसकी वजह से ये ब्रिटिश को हरा नहीं पा रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद ऐसा हो सकता था, ये भी आप कंटिन्यू सोचते रहे, क्योंकि ये सोचने से क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, आप धीरे धीरे ये चीजें बनाएंगे खुद से तो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगी, याद रहने लग जाएंगी कि ये ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे माइंड को जो चीजें ध्यान से समझ में आती है वही चीजें याद रहती है, ठीक है, रटा हुआ कुछ नहीं याद रहता। 1674 में उन्होंने पांडिचेरी एंड चंदरनगर को कब्जे में कर लिया
और ब्रिटिश की तीन प्रेसिडेंसियां चलती थी, एक बॉम्बे, बॉम्बे कहां से आया था आपको पता है, याद है मैंने यहाँ पे बताया था, बॉम्बे किससे, दहेज में मिला था, किसको, ब्रिटिश को, किसने दिया था, आप कमेंट करेंगे ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा कलकत्ता, ये तीन प्रेसिडेंसियां किसकी चलती थी, ब्रिटिश की। तो जब 1674 में पांडिचेरी एंड चंदननगर को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद 1742 ठीक है, इसमें कौन आया, लॉर्ड डुप्लीकेट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी बन गया है, कौन आया 1742 में, लॉर्ड डुप्लीक्स, इसका नाम क्या था, डुप्लीक्स गवर्नर ठीक है, पांडिचेरी में किसके रूप में आया, ये गवर्नर बन के आया, पांडिचेरी में इसको इलेक्ट किया गया एज अ गवर्नर के रूप में ठीक है। जब ये डुप्लीक्स आया, ये बहुत ज्यादा ये भी माइंडेड था ठीक है, डुप्लीक्स अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बट ये भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसके साथ में जो सहायक थे, जो इनको संभालते थे, वही बेटर नहीं थे। तो कहां से चीजें, अब जैसे हमारी सरकार है, अगर सरकार ही अच्छी नहीं रहेगी, केंद्र सरकार ही इधर उधर रहेगी तो राज्य सरकार क्या करेंगे ठीक है, तो उसी तरह के प्रोसेस यहाँ पे भी थे, इनको जो ऑर्डर करते थे वही, उन्हीं का माइंड सेटअप नहीं रहता था तो इनका कैसे रहेगा ठीक है। तो डुप्लीक्स गवर्नर जब आए तो उन्होंने इनको पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया गया, जैसे ये गवर्नर बनते हैं इन्होंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इनका एम ही बदल दिया कि हम आए किस लिए थे, यहाँ पे आए थे कमर्शियल ट्रेड करने के, हम ट्रेड करना चाहते थे, बट इन्होंने एक्सपांशन पे ध्यान दे दिया, इंपीरियल एक्सपांशन पे ध्यान देना स्टार्ट किया, कमर्शियल हटा दिया, इन्होंने पूरा का पूरा थ्योरी चेंज कर दिया कि अब हम नए रास्ते से एक नई शुरुआत करेंगे ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये चेंज ऑब्जेक्टिव किया अपना, उसी समय ब्रिटिश की भनक लगती है ब्रिटिश को, अब ब्रिटिश इनकी नजर में, मतलब ये ब्रिटिश की नजर में आ जाते हैं, तभी से स्टार्ट होता है कार्नेटिक वॉर, जो कर्नाटक का वॉर बोलते हैं, कर्नाटिक वॉर ठीक है, कर्नाटिक वॉर बोलो ठीक है। तो ऐसे कितने कर्नाटिक वॉर हुए थे, तीन, कितने कर्नाटिक वॉर हुए थे, तीन, इन्हीं तीन के बाद पूरी तरह से इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है इंडिया से, वो लास्ट बैटल होता है देखो यहाँ पे वैंडीवॉस ठीक है, याद रखना वैंडीवॉस बैटल ऑफ, ये ब्रिटिश का ही था ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जनवरी 1760 में, वहां तक पहुंचेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि तीन हुआ था, फर्स्ट कभी हुआ था कर्नाटिक वॉर, पहला कर्नाटिक वॉर कब हुआ था 1746 से 48 तक, याद रखना आपको डेट सारी याद रखनी है, 1746 से 48 तक फर्स्ट, सेकंड कहा था 1749 से 54 तक, थर्ड क्या था 1758 से लेकर 63 तक, ये लास्ट था ठीक है। इसके बाद सेवन ईयर सप्तवर्षी जो युद्ध हुआ था ठीक है, सेवन ईयर वॉर बोला जाता है उसको, 7 साल तक वॉर चला था, उसके बाद वो फाइनली सरेंडर करके चले जाते हैं ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट होते हैं, तो अब हम पूरी प्रोसेस को फिर से समझेंगे किस तरह से एलिमिनेट हुए। देखो कर्नाटिक वॉर, ऑस्ट्रेलिया, ये सक्सेशन, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि यूरोप में ऑस्ट्रिया करके एक कंट्री थी ठीक है, जिसमें इन फ्रांस को, फ्रांस और ब्रिटेन में दोनों में झगड़ा था ठीक है, इसी को लेकर ऑस्ट्रिया को किस लिए था, ये मैं नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन के लिए भी वहां पे क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसके किनके बीच में, इंग्लैंड एंड इंग्लिश वाले और फ्रेंच ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के वर्सेस, फ्रेंच से मैटर हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, किसको लेके, ऑस्ट्रिया को लेके ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लेके झगड़ा करते थे, वॉर करते थे, इंडिया में कर्नाटिक वॉर करते थे कि हम कमर्शियल करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, तुम कम रहो, तुम नीचे रहो, हम ऊपर रहेंगे, इन्हीं सब बातों को लेके ये वॉर कंटिन्यू चलते रह गए। तो पहला हो गया 1746 से 48, फिर दूसरा हो गया 49 से 54, तीसरा हो गया 58 से लेके 63 तक, ऐसे तीन वॉर हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके धीरे धीरे देख लेते हैं। तो जैसे ये तीन वॉर होता है 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉस डिफेटेड ऑफ द फ्रेंच खत्म, 1760 में पूरी तरह से एलिमिनेट किसको कर दिया जाता है, पूरी तरह से बोले जाएंगे तो 1763 है, बट फिर भी अगर लास्ट झगड़ा बोला जाए तो उनका कौन सा था, बैटल ऑफ वैंडीवॉस लास्ट वॉर था इनका ठीक है, डिफेटेड ऑफ द फ्रेंच, इनको क्या कर दिया गया, हरा दिया गया ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, पहला कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की स्टार्ट कैसे हुई और क्यों स्टार्ट हुआ, तो 1746 से लेके 48 तक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बोला जाता है इसको। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जैसे हमारे डुप्लीक्स आते हैं ठीक है, उसी समय ये क्या करते हैं 1746 कभी 1746 में कब
कैप्चर कर लेते हैं क्या मद्रास बाय फ्रेंच। मैंने आपको बोला कि तीन प्रेसिडेंसियां किसकी चलती थी, ब्रिटिश की। दो प्रेसिडेंसियां किसकी चलती थी, फ्रांस की, पॉन्डिचेरी एंड चंद्रनगर। दो प्रेसिडेंसियां फ्रांस की थी, तीन कौन सी थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ऐसी तीन प्रेसिडेंसियां चलती थी किसकी, ब्रिटिश की। तो 1746 में इन्होंने सीधा हवा बोल दिया किसके, मद्रास पे, कि चलो भाई ठीक है हम तुम्हारा मद्रास ले लेंगे। और इन्होंने अटैक कर दिया फ्रेंच पे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम बैठे रहेंगे, तो उन्होंने भी क्या कर दिया 1748 में बिसाइड ऑफ पांडिचेरी उन्होंने पांडिचेरी पे अटैक करके पांडिचेरी को कब्जे में कर लिया। जैसे ये मद्रास को कब्जे में किया, वैसे ये लोगों ने क्या किया, दो साल के बाद पांडिचेरी को भी कब्जे में कर लिया। मतलब कि उन्होंने उनकी प्रेसिडेंसी पे कब्जे किया और उन्होंने क्या किया, इनकी प्रेसिडेंसी पे, ठीक है, पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था इनका एक स्टाइल होता था, कौन सा स्टाइल, गौर करो, जीतते हो हारते हो ट्रेटी कर दो, ट्रेटी कर दो, संधि कर लो, संधि नहीं हुआ तो फिर वो लगा दो। बट यहाँ पे जो अदर कंट्रियां थी उनमें सिर्फ ट्रेटी और वॉर होता था, तो वॉर हुआ, वॉर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो ट्रेटी कर लेते थे। ऐसे धीरे धीरे देखो इंडिया जो ब्रिटिश थी वो कभी किसी को एक वॉर में नहीं हराई है, उनके पास इतना हिम्मत ही नहीं था किसी को एक वॉर में हराने के लिए, बट उनके पास माइंड बहुत था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे धीरे धीरे अंदर से वॉर कर करके ट्रेटी कर करके दिमाग लगा लगा के जब कमजोरी पाते थे तुरंत अटैक करके खत्म कर देते थे। इसी तरह से तो हमारे राजाओं का भी हाल हुआ था, ठीक है, मैं बताऊंगा जब प्रिंसली स्टेट पढ़ाऊंगा, अभी हम पहले फ्रेंच को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 1748 में इन्होंने क्या कर दिया, पांडिचेरी को कब्जे में ले लिया, किसने, ब्रिटिश ने। तुरंत वहां से बोला जाता है ट्रीटी की जाती है, ट्रीटी की जाती है ऑफ एक्सला चैपल, ठीक है, इस ट्रीटी का नाम होता है एक्सला चैपल। उसमें क्या था कि ठीक है भाई अभी झगड़ा बंद करते हैं, अब जो है देख लेते हैं अपना अपना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मद्रास गिव बैक टू ब्रिटिश, उन्होंने बोला ठीक है अपना आप मद्रास रख लीजिए, ऐसे हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं संधि कर लेते हैं। उन्होंने ये संधि याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्सला चैपल चैपल में बोला जाएगा कि इसमें क्या रिटर्न किया गया था, किन किन कंट्री के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था। तो मद्रास क्यूबैक किसको मिल गया था, ब्रिटिश को मिल गया था। उसी के बदले में उन्होंने भी क्यूबैक फ्रेंच, ठीक है, कनाडा एक ऐसे जगह का नाम था, मतलब उसको वहां पे कनाडा बोला जाता था, क्यूबैक, उन्होंने क्यूबैक करके एक जगह था अदर यूरोप में, उन्होंने किसको दे दिया, फ्रेंच को दे दिया, ठीक है, ऐसा। तो फ्रेंच ने उसमें सेटिस्फेक्शन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वॉर खत्म हो जाता है, क्योंकि वॉर होता है, ट्रीटी होती है तो वॉर समाप्त हो जाता है, वॉर के बाद ट्रीटी हुई तो मतलब वॉर समाप्त। फिर सेकंड कर्नाटिक वॉर होता है, फिर से वो लोग जागते हैं, फिर से सेकंड वॉर करते हैं 1749। देखो यहाँ पे खत्म कब हुआ, 48, जस्ट एक साल, ट्रीटी हुई कि नहीं तुरंत अगला वॉर स्टार्ट कर देते हैं 1749 से 54 तक, ये बहुत लंबा चलता है। तो सेकंड 1749 से 54, तो 1749 को क्या हुआ था, 1749 को फ्रेंच अटैक आर्कोट पे सीधा का सीधा हमला कर दिया फ्रेंच ने, क्या किया सीधा आर्कोट पे हमला कर दिया इनके। और आर्कोट क्या था, कर्नाटक का क्या था, कैपिटल था, कैपिटल ऑफ कर्नाटिक, कर्नाटिक का क्या था, कैपिटल। आप अगर मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कर्नाटिक, ठीक है, यहाँ पे मैप में दिखेगा, यहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया और आर्कोट को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश ने कुछ किया भी नहीं, बोला ठीक है भाई तुम आर्कोट ले लेते हो। उन्होंने फिर क्या किया, उनका उस समय का जो गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा माइंडेड था। रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत अटैक किया किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर। अटैक करने के बाद वापस से संधि कर लेते हैं, रिट्रीट फ्रॉम द आर्कोट, उनको वापस दे देता है वो, ठीक है, क्या करता है वापस देता है। अब जब ये वापस लेन देन चल रहा है तो इसी में फ्रांस की गवर्नर को समझ में आ जाता है कि अब डुप्रिस किसी काम के नहीं है, इनको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो 1754 में डुप्लिक्स रिप्लेस बाय रिकॉर्ड हो गए और रिप्लेस कर दिया किसे, गोदेऊ से, ठीक है, गोदेऊ से क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। नाम याद रखना आपने 1754 में। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए जब थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था, सेकंड पे कौन था, ब्रिटिश का गवर्नर कौन था। तो मैं बोला कि जितनी चीजें मैं बोलता हूँ सारी की चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है, प्लस उसको ध्यान में रखनी है। एक बार में नहीं होता, दो से तीन बार वीडियो देखिए, तीन से चार बार देखिए, एक समय आएगा कि आपको पूरी चीजें याद होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 1754 में डुप्लिक्स को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, उनको किसको बुलाया गया, गोदेऊ को बुलाया गया, कभी 1754 में। और जैसे गोदेऊ आते हैं तो उनको वहां से बोल के भेज दिया जाता है, देखो जाओ झगड़ा वगड़ा मत करो, मैटर कम करो थोड़ा, ये तो डुप्लिक्स तो हमेशा झगड़ा ही करते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता इनका मैटर करके, तुरंत आते हैं फिर ट्रेटी करके वापस दे देते हैं, तो उसमें फायदा क्या हुआ।
तो इसलिए इनको बहुत समझा के भेजा जाता है गुरुदेव को, बोला जाता है कि जाइए थोड़ा सा संभालिए वहां पे जो भी चीजें हैं और वॉर मत कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आते हैं तुरंत पहले ट्रीटी कर लेते हैं पौंडीचेरी का, सीधा क्या करते हैं ट्रीटी करते हैं पौंडीचेरी का इन 1775 में विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या कर देते हैं पौंडीचेरी का ट्रीटी कर देते हैं, ठीक है। और इसी ट्रीटी के बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्या हो जाता है हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। 49-54 में खत्म। मैंने बोला जैसे वॉर होता है अगर तुरंत ट्रीटी किया तो उसी समय वॉर एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये इतने सारे वॉर हो रहे थे तो डुप्लिक्स को चेंज करके तुरंत गुदेव को भेज दिया गया और गुदेव पहुंचते उन्होंने क्या कर दिया ट्रीटी कर ली। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी नाम याद रखना, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या ट्रीटी की गई थी, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में किसकी ट्रीटी की गई थी और कौन सा वॉर था, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे 1746 सॉरी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यहाँ पे ना ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेले, ठीक है। एक्सला चापेले आप नाम इतना फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इसमें क्या हुआ था, इसमें मद्रास रिटर्न देना पड़ा था किसको, फ्रेंच से, फ्रेंच ने रिटर्न दिया था किसको ब्रिटिश को, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी थी। उन्होंने भी उसके बदले में क्या दिया इनको क्यूबेक दे दिया। सेकंड कर्नाटिक वॉर में किसका हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी का इन 1775 में रिप्लेस किया गया गुदेव को, किससे रिप्लेस किया गया डुप्लेक्स से, रॉबर्ट क्लाइव उस समय के क्या थे गवर्नर थे वहां के, ठीक है। तो ये सेकंड भी खत्म होता है, अब थर्ड कर्नाटिक वॉर आता है, कौन सा थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर कभी हुआ था 1758 से लेके 63, अब यही फाइनल वॉर था हमारा, ठीक है, मतलब हमारा मतलब फ्रेंच का और ब्रिटिश का, ठीक है। तो फ्रेंच ब्रिटिश का 1758-63 तक एक थर्ड वॉर चला, थर्ड कर्नाटिक वॉर जिसको बोला जाता है। ये तो इंडिया में चल रहा था, उसी समय यूरोप में 7 ईयर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 7 ईयर वर्ल्ड वॉर इन यूरोप, 7 ईयर वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं 7 ईयर वॉर, 7 ईयर मतलब 7 साल तक चला था, 56 से स्टार्ट था 63 तक, इसी को लेके हुआ था ऑस्ट्रिया को लेके। देखेंगे जब हम वर्ल्ड पढ़ेंगे तो अभी तक आप इसी में ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। जो इंडिया से रिलेटेड है अभी वही चीजें पढ़ाऊंगा, ना कि वर्ल्ड से, वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा वहां पे, वहां पे सिर्फ वर्ल्ड पढ़ेंगे, बट अभी मैं इंडिया पढ़ा रहा हूँ तो हम इंडिया की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन यूरोप 7 ईयर वर्ल्ड वॉर, 7 वॉर चला 56 से लेके 63 तक चला। 1757 जैसे होता है 1757, अब हम इस वॉर की बात करेंगे इसकी नहीं, ये तो बता रहा था कि मैं उस समय वहां पे भी चल रहा था 1758, तो उससे एक साल पहले 1757 में सीज कर लिया था चंद्रनगर बाय क्लाइव। क्लाइव ने क्या कर दिया चंद्रनगर को ही, पहले पौंडीचेरी इनका हटा दिया, पौंडीचेरी ले लिया, अब इनकी दो प्रेसिडेंसी चलती थी फ्रांस की, चंद्रनगर और पौंडीचेरी, पौंडीचेरी तो आ गया अब बचा चंद्रनगर। 1757 उसने चंद्रनगर पे भी आक्रमण कर दिया और कौन क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया सीज कर दिया चंद्रनगर को, ठीक है। और जून 1758 को वहां का फ्रेंच गवर्नर जो था उसने पौंडीचेरी पे अटैक कर दिया, पौंडीचेरी तो दे दिया था वापस से, उसने बोला कि ठीक है चलो वापस से पौंडीचेरी पे अटैक कर दें। तो जून 1758 को फ्रेंच गवर्नर उसने क्या किया पौंडीचेरी पे वापस से अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक पौंडीचेरी अटैक फोर्ट किले पे, क्या नाम था उसका सेंट डेविड, ठीक है, उसपे क्या किया उसने अटैक कर दिया, किसने फ्रेंच ने 1758 में, समझ गया, ठीक है। जैसे ही अटैक करता है बट इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ये बुरी तरह से हार जाते हैं, ठीक है। और फाइनली 22 जनवरी 1760 में बैटल कर लेते हैं, बहुत भयंकर ये वॉर होता है वेंडी वॉर्स का, और ये लास्ट वॉर होता है किसका फ्रांस का, फ्रेंच का। तो फिर ये 17 याद रखना डेट 22 जनवरी 1760, 22 जन 1760 को बैटल ऑफ वेंडी वॉर्स करते हैं और इसी में बुरी तरह हारते हैं और वो इंडिया को फिर लेफ्ट आउट कर देते हैं, इंडिया में वापस से नहीं आते हैं क्योंकि चंद्रनगर भी ले लिया, पौंडीचेरी ले लेगा तो रहेंगे कहाँ पे वो, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश की कितना माइंड था, ब्रिटिश धीरे धीरे किस तरह से इनको अपने कब्जे में किया, बॉम्बे तो आ ही चुका था, मद्रास था ही, कलकत्ता, अब पौंडीचेरी चंद्रनगर को भी ले लिया गया, मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया फ्रांस को भी लेमिनेट कर दिया, डच तो थे ही नहीं, और कुछ कंट्रियां थी जो छोटे छोटे एकदम डिस्ट्रिक्ट जैसे बसे हुए थे छोटे छोटे जगहों पे, तो उनका कुछ मतलब ही नहीं था वहां पे रह के भी, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते थे ब्रिटिश तुरंत ही आ जाती थी। तो इस तरह से कब्जा किया गया, मतलब पूरी तरह से हमारे इंडिया में जो अदर कंट्री के लोग आए थे ट्रेड करने के लिए उनको वहां से निकाल दिया गया। अब इनके हारने की वजह क्या थी, कर्नाटिक वॉर क्यों हार जा रहे थे ये, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो आप बैकग्राउंड में आप देखोगे कि फ्रांस जो था वो बहुत फटाफट चीजें करना चाह रहा था,
सोचता था कि फटाफट सारी चीजें हो जाए, और एक ही समय पर कई वॉर लड़ता था वो, यहाँ यहाँ पे भी लड़ता था, यूरोप में भी लड़ता था, इतनी कैपेसिटी ना होते हुए भी वो चीजें करता था। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा हम देख लेंगे कर्नाटिक और हारा क्यों। ठीक है, क्योंकि उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा खराब था फ्रेंच का, जब तक वहां से कोई चिट्ठी निकलती थी, कोई लेटर निकलता था कि हमको ऐसे ऐसे करना है, तब तक यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव इनको पीट पाट के रख देते थे। ठीक है, इनको जब तक पहुंचते थे तब तक इनका काम खत्म हो जाता था, कि ऐसा लेटर पहुंचा कि आज से हमको इनको लड़ना है, हमको वॉर करना है, कर्नाटिक फोर्थ वॉर करना है, तब तक तो फोर्थ हो चुका रहता था, तो इतना ज्यादा स्लो प्रोसेस था इनका। ठीक है, फ्रेंच का, प्लस इनकी सेनाएं भी बहुत ज्यादा कम रहती थी, और एक ही समय पे बहुत जगहों पे वॉर करने की वजह से भी ये यहाँ पे पूरी तरह हारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि इनकी कमजोरियां क्या क्या थी, बट अभी के लिए आप ये सारी चीजें याद रखिए, कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा कब कब्जा किया गया था, और वो किस ट्रीटी पे हटाया गया, उस ट्रीटी में हुआ क्या था, तो पहले ट्रीटी में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ कर्नाटक, और कब हुआ पहला दूसरा तीसरा, उस समय गवर्नर कौन था, उस समय इंडिया का गवर्नर कौन था, ब्रिटिश में फ्रेंच में कौन गवर्नर था, उस समय कौन क्या हस्तक्षेप किया गया, किस पे एनेक्स किया गया, क्या रिटर्न दिया गया, तो ये सारी चीजें अगर आप जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है अगर इसको एक बार देख लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके में, और फिर जैसे ही हमारा खत्म होता है, मैंने बताया था दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले हम जो यूरोपियन कंट्री हमारे यहाँ पे आए हैं उनको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, और फिर हमारे जो राजा लोग हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, उनको भी हम क्या करेंगे धीरे धीरे एलिमिनेट करके उनकी जगह को हस्तक्षेप करते करते पूरे इंडिया पे कवर किस तरह से किया ब्रिटिश ने, ये पूरा का पूरा समझेंगे। और फिर जब कब्जा हो जाएगा तब पूरी तरह से, तब हम लोगों ने क्या किया स्टार्ट में उसको खत्म करने के लिए, धीरे धीरे महात्मा गांधी की एंट्री करा देंगे, फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करा देंगे, चौरी चौरा नामक सब करा देंगे, दांडी यात्रा करा देंगे, और फिर 1947 में झंडा फहरा के आजादी दिला देंगे, और फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई रहेगी उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पहले बात करेंगे कर्नाटक और हारा क्यों, और फिर हम प्रिंसली स्टेट पे उतर जाएंगे, और फिर देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट पे वो क्या क्या करता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में राजा लोग रहते थे, उनकी सेनाएं ब्रिटिश से भी ज्यादा स्ट्रांग रहती थी, मैसूर हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, मराठास की टीम हो गई, ठीक है, निजामशाही की टीम हो गई, ये बड़ी बड़ी टीमें थी, अगर ये चाहते तो ब्रिटिश को दो अगर मिल जाती थी तो सबको भगा दी जाते थे, ब्रिटिश भाग जाते थे, बट इनको आपस में झगड़ा लगा के कमजोर करा के एक दूसरे से वॉर करा के आखिरकार ब्रिटिश ने कब्जा कर ही लिया था। तो देखते हैं हम, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो, मैं उधर उतरूंगा तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।